ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਭਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠ ਜਾਓ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੰਡਰਪਾਥ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦੋ ਢਾਈ ਢਾਈ ਮਰਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਡਰਪਾਥ ਬ੍ਰਿਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਿਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਔਰ 45 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਡੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3 ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 2 ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਿੱਟੀ ਪੋਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਥੱਲਿਓਂ ਪੋਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘਦੀ ਆ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ। बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में शहर के कई स्थानों पर जल भराव की समस्या हो जाती है। लेकिन जालंधर की अर्बन स्टेट फेस 1 में आधा अधूरा लटका रेलवे अंडरपास प्रोजेक्ट बारिश के दिनों में लोगों की जान के लिए खतरा बना हुआ है। जहां बीच में लटका ये प्रोजेक्ट मौत के खुले मुंह के समान है, वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत विधानसभा चुनाव से पहले की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से इसका उद्घाटन किया गया था और इसका टेंडर रेलवे को दिया गया था। नगर निगम की ओर से भी रेलवे को इस प्रोजेक्ट की राशि मुहैया करवाई गई थी, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब बिना किसी मैपिंग और ड्रॉइंग के इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया, जिस वजह से नीचे पड़ी सीवेज पाइप और लगभग 45 फीट गहरी खुदाई अब लोगों को बारिश के दिनों में मौत के कुएं में धकेल सकती है। वहीं खालसा वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह ने बताया कि उनकी ओर से लगातार इस समस्या के संबंधित कॉरपोरेशन कमिश्नर को भी पत्र लिखकर शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इतना ही नहीं, ये अधूरा अंडर पास पूरे शहर के लिए खतरा बन सकता है। दरअसल जहां खुदाई की गई है वहां से शहर की 3 पाइपलाइंस अलग अलग स्थानों से आकर इकट्ठी मिलती हैं और उसी के ठीक ऊपर ट्रांसफॉर्मर भी है, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो इसी जगह हादसा होते होते बचा। गत दिनों एक व्यक्ति की गाड़ी भी इस गहरी खाई में डूबने से बची, जिसे लोगों ने बचाया। इतना ही नहीं, जिस जगह से अंडरपाथ के लिए खुदाई हुई है उसकी दोनों तरफ बिजली के खंभे हैं और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से करीब 56 इंच जो मेन सीवर लाइन आती है उसके ठीक ऊपर बिजली का ट्रांसफॉर्मर है। जब भी बारिश होती है तो खोदे गए अंडरपाथ में बारिश का पानी भर जाता है और मिट्टी खिसकने लगती है। इस कारण कभी भी ट्रांसफॉर्मर पानी में गिर सकता है और एक बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कॉरपोरेशन अधिकारियों का कहना है कि ये जगह पावरकॉम के 2 कार्यालय को लगती है। वडिंग पावरकॉम कार्यालय को कॉरपोरेशन की तरफ से बिजली के खंभे हटाने के लिए फीस जमा करवाई जा चुकी है, जबकि मॉडल टाउन पावरकॉम कार्यालय की तरफ से अभी इसकी बनती फीस नहीं बताई गई। देखिए जालंधर से शुभता की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज असी इत्थे अंडरपाथ ब्रिज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विच जिहड़ा MLA साहब प्रगट सिंह होनी, जिहड़ी पहला भी MLA सी हुण मौजूदा भी MLA ने, ते असी बड़े, एक बंदा हुंदा कि फखर ना कहिंदा पर सानूं बड़े शर्म ना कहना पैंदा कि 2 वारी नहीं 3 वारी MLA साहब अपनी सीट ते रुतबर होए ने, पर उन्होंने साडे कलोनी दे विकास बारे कोई ध्यान नहीं दित्ता, कुछ नहीं सोचिया। हुण इह अंडरपाथ ब्रिज साडी कोई रिक्वायरमेंट नहीं सी, जिहनूं कि पता नहीं किस तरीके नाल लागू कर दित्ता गया। इह घट्टो घट्ट मिण के वेखीए तां 100 फुट लंबा और 45 फुट तों उपर जा डूंगा। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 3 ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਟਾ ਵਾਲਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢਿੱਗਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਢਿੱਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਾਤਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ,
तो फिर उस तो बाद मैं वो शब्द वरतना नहीं चाहता, तुम सियाने हो कि वो रिजल्ट की होएगा। यह दो खंभे लगे ने पिछले पासे, मिट्टी पोली पै चुकी है, ये किसी वेले भी डिग सकते हैं। रेलवे ट्रैक थल्यों पोला पै चुका, नाल रेलवे ट्रैक जी इधर जंडियाली लाइन जाती है जलंधर तो, यह भी पोला पै चुका, जो ट्रेन लंघती है ट्रैक भी बैठ सकता है। तो मैं अज खालसा यूनाइटेड वैलफेयर सोसायटी जी कि साड़ी एक सांझी सोसायटी आ, ये असी मैं वो प्रधान होने के नाते मैं ये बेनती करना चाहूँगा पंजाब सरकार को कि तुम जी कुंभकरण की नींद सुते पे हो ना, ये थोड़ा जा उठ जाओ कि समाज सेवा तो रौला तो पाई जाते हो, तुम किया है ये सानू जवाब दो, यदि की लोड़ सी अंडरपाथ ब्रिज की, सानू यदि कोई जरूरत नहीं है। साड़ी कलोनी दे कोल केवल दो ढाई ढाई मरल के प्लॉट ने, अगर इतने ब्रिज बन जाता साढ़े को जगह ही है नहीं, अगर कोई डैथ भी होती है असं कोई समागम करना होंगे साढ़े कोई थान नहीं। आग साढ़े को बहुत वधिया मुद्दा सेगा, पर यह भी पंजाब सरकार ने मिल के या प्रगट सिंह जी ने, मैनू नहीं पता कि उन्होंने स्कैच डी है, दो बारी आके मिल गए ने, और असी कानूनी तौर के उत्ते 29 मार्च में असी कमिश्नर साहब न एक चिट्ठी दे चुके हैं, यह पूरा वेरवे सहित, इतने कोई कार्रवाई नहीं हुई। वेट करने बाद 13 जून में दोबारा फिर चिट्ठी लिखी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी जड़ा कि बहुत ज़्यादा लोगों को दसदी है कि असी थोड़ी सेवा करांगे, ये आम आदमी की सरकार है, पर मैनू लगता नहीं कि आम आदमी सरकार है, क्योंकि आम आदमी खड़ा सारा। देखो एक कैमरा मार के देखो, इधर साड़ियां भैन खड़िया ने, इधर साढ़े वीर खड़े ने, ये कोई खास नहीं, ये भी आम ही ने, पर अज सुनवाई साड़ी की है, सुनवाई साड़ी जीरो आ। इत्थे आने वाले टाइम दे विच जदों बरसात पई, इत्थे डेंगू वर्गा मच्छर भयानक ते होर बीमारियां इत्थे आणगियां। परसों दो सप, एक सप मैं अपने हत्थी फड़ के कैंटर बोर्ड वल छड़ के आया, एक सप परले पासे लुकिया, वो इहदे विचों निकलिया, वो एक जिहड़ी वड्डी सारी गोह हुंदी है बड़ी जहरीली, जिहड़े चट्टण नाल भी बीमारी पै जांदी है, वो मैं खुद आप फड़ के, मेरे को वीडियो बनी पई है, मैं खुद आप फड़ के वो परले पासे कैंट वाले पासे परले पासे छड़ के आया। ये जहरीले कीड़े किसी के घर में जा सकते हैं, किसी का जानी नुकसान हो सकता, अगर कोई नुकसान होया तो मैं ये बेनती करनी चाहूँगा सरकार को कि ये जिम्मेवार तुसी होवोगे, इसकी भरपाई तुहानू करनी पवेगी। पिछलां तो महीना कु पहलां इत्थे ये ट्रेंड किया गया, कमिश्नर साहब करनेश शर्मा जी सी जिहड़े इत्थे आए, नाल उन्हां नाल इंजीनियर लियाए, वो पुट के इहनू ते MLA साहब आ गए, इन्हों बड़ी स्पीड ना 15 दिन बड़े बड़े पोकलैंड इन दुड़दिया रही, बड़े टिप्पर जिन्हां नाल भर भर के मिट्टी वेचते रहे, इतों की लंघते रहे, किसी नूं 100 ग्राम मिट्टी नहीं छेड़न दित्ती, अगर सारी मिट्टी इतों वेची है। वो बाद जिदा ही इलैक्शन 2-4 दिन हो गए, नाल ही मशीन इतों मूव कर गई, सानू नहीं पता ये खंभे उन्होंने पहला शिफ्ट कराने चाहिए ही, जदों पुट्टण तो पहला खंभे शिफ्ट कराते कि हाँ भी बिजली बोर्ड के खंभे है, इन्हों शिफ्ट करना जां सीवर लीक हो सकता, जबकि सारा पता सी ये थले सीवर है, ये इंजीनियर भी पता सी, सरदार प्रगट सिंह जो मौजूदा MLA पहला भी उन्होंने ये नाते वोटा भी लिया इतने लोगों, और लोगों ने बड़े बड़े झंडे लाए उन्होंने इस कलोनी ने, और सपोर्ट की इस कलोनी ने वोटा पाइया, लेकिन उसके बाद अज कलोनी कितने खड़ी आ, आके MLA इतने बिल्कुल विजिट कर नहीं आए, एक दिन एक थोड़ा जहा आके देख के अपने घर वापस चल गए, कि एक MLA की जिम्मेवारी यही होंगी है। अर्बन स्टेट और पंजाब एवन्यू के बीच में जो अंडर ब्रिज पास बन रहा है, यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं, और कितने दिनों से हम यहाँ के सभी लोग, कॉलोनी के लोग इस नरक में जो है यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे नरक बना करके मंदिर के सामने और आसपास के लोगों का यहाँ पे जीना हराम हो गया है, यहाँ पे इतना पानी भर गया है, इतनी गंदी बदबू, और यहाँ पर जो इससे बीमारी मच्छर डेंगू वगैरह फैल रहे हैं, तो आप सभी देख रहे हैं कि इतने दिनों से हम कोई अफसर नहीं छोड़ा, कभी हम काउंसलर साहब को साथ लेके जाते हैं, कभी हम MLA साहब के पास जाते हैं, कभी हम DC साहब के यहाँ जा रहे हैं, कभी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सब लॉलीपॉप दे जा रहे हैं, आज आओ जी, कल आओ जी, कल आ रहे हैं जी, अभी तक यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, सिवाय इन्होंने एक बार यहाँ पर विजिट किया, यहाँ पर आकर के देख के गए, पर उसके बाद आप सामने देख रहे हो कि यहाँ ट्रांसफार्मर जो है नीचे गिरने वाला है, अगर ये ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया यहाँ पे कितना बड़ा हादसा हो सकता है, यहाँ पे जानवर गायियाँ जो है घूमती है, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, अगर कोई हादसा बड़ा हो गया तो इसका जुम्मेवार कौन होगा। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी जो है इसको, ये तो चालू करें, ये तो बंद करें।